गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ये रास्ते, और मैं हूं राहुल सैनी। सो फाइनली हम जा रहे हैं एक न्यू ट्रिप पे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहां गए आगे बताता हूं, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक बने रखना। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाइक शेयर भी करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो सब कुछ रेडी है, बैग्स भी रेडी है, बस मैं ही रेडी होना बाकी हूँ। तो आप भी रेडी हो जाइए, मिलता हूं आपको रास्ते में। फाइनली NH24 पे पहुंच गए हैं। अभी हमने टोल क्रॉस किया है बस, और अभी तो चल रहे हैं, खैर एंजॉय करते हुए रास्ते को। और अभी रास्ते में ब्रेकफास्ट लेंगे और मिलता हूं मैं आपसे थोड़ी देर में। तो उत्तराखंड के बॉर्डर का स्टेटस बताएंगे आपको, हम रोकते हैं नहीं रोकते, फिलहाल तो चल रहे हैं रोड पर। तो वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, हमने एंटर कर लिया है उत्तराखंड में। अभी तक तो हमें रोका नहीं, आगे देखते हैं, रोकते हैं रोकते हैं तो दिखाते हैं आपको वो। तो हमने रुड़की से छुटमुलपुर वाला वे पकड़ा है, चलते हैं उस वे पे। अभी हम रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, यहाँ पर सपना होटल है, ये रेस्टोरेंट, यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट लेंगे। बताते हैं आपको कैसा है यहाँ का फूड। उनका पराठा ठीक है, मतलब आप यहाँ पे आ गए, लंच वगैरह या ब्रेकफास्ट दे सकते हैं। बाकी मेन्यू कार्ड की मैं पिक्स वगैरह शेयर कर दूँगा, प्राइस वगैरह ठीक है, एसी होल है और रोड के नज़दीक ही है। फ्रेंड्स अभी हम रायपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हैं और हमने अभी ब्रेकफास्ट किया है यहाँ सपना रेस्टोरेंट में। और अभी एक बात बता दूँ, अभी तक तो हमें कोई बॉर्डर पे ऐसी कोई चेकिंग नहीं हुई, ना ई पास चेकिंग हुई, ना RT-PCR वगैरह कुछ भी नहीं था अभी तो। बाकी आगे देखते हैं कहाँ पर चेकिंग होगी, दिखाते हैं आपको। फिलहाल अभी तो कोई बॉर्डर पे हमें रोका नहीं, सीधा हम आ गए हैं। बैरिकेटिंग लगी हुई थी बस, ऐसा कुछ इतने रोका नहीं। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक तो, बाकी आगे रोकते हैं तो दिखाते हैं आपको। फिलहाल अभी काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है और बस निकलते हैं यहाँ से।
टेबल करके। तो अभी हम पहाड़ों पे चल चुके हैं अपने रास्ते की ओर, और देहरादून यहाँ से कोई 20 किलोमीटर होगा। काफी ट्रैफिक है यार रास्ते में, तो अभी तो फिलहाल कुछ ग्रीनरी सामने आपके ऐसे, और व्यू तो भी है नहीं कुछ खास आया नहीं जो दिखाने योग्य हो। दिखाते हैं आपको व्यू आगे का चल करके। तो ये छुटमुलपुर बाईपास रोड निकल जाएगा हमारा, और ये अभी बना है अंडरपास। और रोड की कंडीशंस की बात करो तो रोड कंडीशन बहुत बढ़िया है। 3 टोल आ चुके हैं अब तक, और अभी तक ऐसा हमें बॉर्डर पे रोका भी नहीं है। तो चलते हैं अंडरपास से पास बाहर निकलते हैं, फिर पेट्रोल भी भरवाना है गाड़ी में, वो भी भरवाएंगे। पेट्रोल भरवा लिया है और जाम चालू है, तो देख सकते हैं आप देहरादून सिटी के अंदर। तो हम पहुंच गए हैं प्रकाशेश्वर मंदिर, महादेव का मंदिर है। जो कि इस मंदिर की ये विशेषता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का दान नहीं ले जाता, ना किसी प्रकार की दान पेटी है। तो दर्शन करके आते हैं, अभी उस नज़ारा आपको दिखाते हैं। यहाँ का व्यू व्यू देखो यहाँ का कितना सुंदर है। लेकिन यार बात बता दूं, आप अगर आए ना देहरादून मेन सिटी से आ रहे हैं ना, तो अवॉइड करना यार, काफ़ी रेड लाइट्स हैं और आपको काफ़ी ट्रैफिक सटेगा। कोशिश करना कि दूसरे रूट से आना, बाकी तो आपकी मर्जी है। लाल अभी तो बंदे के दर्शन करने जा रहे हैं। चलिए देख के पार करियो। चलते हैं हम मंदिर में महादेव के दर्शन करने। ग्रैंड वाइब है वो। यहाँ पे जूता स्टैंड है इनका, यहाँ पर आप यहाँ पे आके दूध उतार के अपने मंदिर में जा सकते हैं। तो ये मंदिर परिसर के अंदर ही इनकी शॉप है, नक्श वगैरह बाकी और भी काफ़ी चीज़ें आप यहाँ से आके इच्छुक हो तो आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। Thank you.
ये कितने का है? 500 रुपए का है ये, इसके प्राइस 150 रुपए की, और ये 50 रुपए की है माला। अपने देख लिया लंगूर कितने बैठ गए थे गाड़ी पे, टाइम तो वेस्ट हुआ, चलो कोई नहीं, मेरे हाथ में मट्ठी थी, मैंने उनको वो दी और वो वहाँ से हट के भाग गए, मेरे को रास्ता मिल गया मेरी गाड़ी में अंदर जाने का। चलो चल ही रहे हैं अभी तो। तो अब कटेगा हमारा टैक्स नगर निगम का। तो हमने पर्ची कटवा ली है 60 रुपए की, यहाँ की ग्रीन पार्क ग्रीन टैक्स जबरदस्त है। और ये देहरादून है सारा, जो नीचे दिख रहा है देहरादून वैली सारी देहरादून आए हैं, और ऊपर का नज़ारा देखो कितना जबरदस्त है। इतना जबरदस्त मौसम को देखते हुए सोचा थोड़ी देर यहाँ पर टाइम स्पेंड किया जाए और आपको दिखाया जाए यहाँ की ब्यूटी, जो मौसम और ब्यूटी के कारण इसको हिल्स ऑफ क्यून कहा जाता है मसूरी को। चारों तरफ फोग ही फोग है और नज़ारा कुछ आपके सामने आया था जबरदस्त। सभी अपने एंजॉयमेंट के लिए निकले हैं थोड़ी देर, तो भी मजे कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ी देर चिल कर रहे हैं, निकलेंगे नज़ारे दिखाते रहेंगे आपको, पूरी वीडियो को जरूर देखना एंड तक। तो अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे रुके हैं धनोल्टी के रोड पर, अभी यहाँ से 20 किलोमीटर रह गया है। तो यार वेदर बहुत ज़बरदस्त था यहाँ पर, अभी हम रुक गए हैं और मौसम कुछ ऐसा है अभी, मौसम अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉग हो गया था। तो थोड़ी देर स्पेंड करेंगे यहाँ पे टाइम और निकलेंगे फिर धनोल्टी की तरफ, अभी तो फिलहाल आनंद ले रहे हैं वेदर का, यहाँ की ब्यूटी का देखो जबरदस्त नजारा दिखाता हूँ आपको मैं। और बाहर आ जाओ, क्या हुआ? सो अभी यहाँ पे यार सोच रहे हैं कुछ ना कॉफी वगैरह लें अभी, तो कॉफी वॉफी भी ले लेंगे और साथ में थोड़ी सी फोटोग्राफी करके फिर निकलते हैं। कॉफी तो हम कॉफी पी रहे हैं यहाँ पे इस वेदर में, खुले वेदर में, फोगी मौसम के अंदर। यहाँ पर कुछ नहीं है लेकिन हमारे पास कॉफी थी और वो बना के अब पियेंगे और मजे लेंगे धनोल्टी के इस वैली का। आर्स कह रहा है यहाँ का वैली का। तो गाइस ऐसे मत करे करो यार, यहाँ पे आके पहाड़ों पे कहीं भी अपने घर के पार भी अपना देश है इसको ऐसा ना गंदगी मत फैलाओ। हमने भी अपना कूड़ा ना अपनी पॉली बैग में डाल लिया है और फैला नहीं रहे यहाँ पर, प्लीज आप यहाँ पे आके गंदगी ना फैलाए, यहाँ पे का कहीं पर भी स्वच्छ रखे अपने भारत को, गंदगी बिल्कुल नहीं करें। इतनी ब्यूटीफुल जगह को आप कूड़ा दे फेंक के खराब कर देते। जर्नी हमारी दोबारा शुरू हो गई है और सीनिक व्यू को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, आप भी करते रहें वीडियो में। यहाँ पे इन्होंने हमसे कुछ कुछ नहीं जनरली इन्फॉर्मेशन ली थी,
कुछ बस आपको अपने वैक्सीनेशन के बता रहे हैं और कुछ नहीं, बस थोड़ी सी गाड़ी की डिटेल और अपना एड्रेस वगैरह, यही थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जाने देंगे यहाँ से। तो अभी यहाँ पे रुके, बीच में एक ही जगह हमें चेकिंग हुई, बीच में रास्ते में आप देखा होगा अपने वीडियो में, तो मैं वहाँ से ई पास की तो हमारी कोई चेकिंग नहीं हुई, वहाँ पे वैक्सीन की देखी थी रिपोर्ट कि आप डबल फुल्ली वैक्सीनेटेड है या नहीं, पर उसकी डिटेल्स और गाड़ी की और आप कहाँ से आए हैं और आपका फादर नंबर, जनरल इन्फॉर्मेशन बाकी आप फिर आने देते हैं, ऐसा कुछ लंबा छोड़ बस यहीं की। और तो हमें बॉर्डर्स पे कहीं नहीं रोका और बस फिलहाल आप उल्टी की तरफ आ रहे तो एक जगह चेकिंग हो सकती है और एक ब्यूटी आपके सामने। शायद इन्हें हिमालय श्रृंखला दिखती है, होगी इसके पीछे, अभी मौसम ऐसा है तो इसलिए दिख नहीं रही। लो जी इको पार्क आ गए, बाद में दिखाएंगे आपको ये हम, तो मौसम ही देख रहे हैं आप कितना ज़बरदस्त है, कितना फोगी है। तो हमने यहाँ पे ग्लैमवुड रिजोर्ट है वो बुक के रखा है, यहाँ से कोई 5-7 किलोमीटर आगे होगा, तो चलते हैं आपको दिखाएंगे वो भी। फिलहाल तो आप मौसम का यहाँ का वीडियो के जरिए इंजॉय करिए, हम तो कर ही रहे हैं, आप भी करिए। लो जी पहुंच गए ग्लैमवुड रिजोर्ट, अब यहां से नीचे उतारते हैं गाड़ी को अपनी। तो हम इस कच्चे वे से आए थे, गाड़ी हमारी यहां पार्क है। तो फिलहाल गाड़ी हमारी यहां पार्क है और रिजोर्ट इनका ऊपर है, दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में ये प्रॉपर्टी के बारे में, और भी यहाँ की लोकल जो चीज़ें होंगी वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल वीडियो को एंड करते हैं, तब तक खुश रहिए और भारत को स्वच्छ रखिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।